सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, अक्टूबर के 17, 18 और 19 तारीख को हमारे उत्तराखंड में, विशेष रूप से उधम सिंह नगर में, बासपुर में बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से सभी लोग परेशान हुए। विशेष रूप से किसान वर्ग जो अपनी फसल काटने के लिए तैयारी में थे, कुछ लोगों ने फसल काट रखी थी, कुछ लोगों का दान मंडी में था, कुछ लोगों का दान खेत में ही था। साथ ही साथ अन्य तमाम लोग परेशान रहे, व्यापारी, सब्जी बेचने वाले अलग अलग प्रकार से अपनी दिहाड़ी करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोग परेशान रहे। और ये 3 दिन लोगों के लिए एक प्रकार का दशहत रहा और लोग इन सभी बातों में परेशान रहे। उसके बावजूद हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने इतनी बड़ी इस बाढ़ से संबंधित बातों के बावजूद हम सबों को बचा के रखा। अलग अलग प्रकार से आर्थिक नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन हमारी ज़िंदगी बची रही। अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि 40 लोगों की मौत हुई उत्तराखंड में। हम उन सबों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम सभी लोग बचे हुए हैं, हम उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना महिमा करें, उसके सानिध्य में जाएं। स्रोत 107 के माध्यम से मैं आप सबों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। ईश्वर संकट से मनुष्य का उद्धार करता है, और ये संकट हम सबों पर आया हुआ है इस अचानक बारिश के वजह से। इस संकट से हम सभी लोग दबे हुए हैं इस वक्त, चाहे वो किसान हो, चाहे दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे साग सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे दुकान चलाने वाले व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति इस संकट से दबा हुआ है। लेकिन हमारा विश्वास है और उम्मीद है कि ईश्वर हम सबों के संकट से बचाएगा और पार करेगा, और जब प्रभु हमारे साथ खड़ा रहेगा हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। इसी आस्था के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम सभी इस स्रोत के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। स्रोत 107। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग यह कहते रहे जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देश से एकत्र कर लिया है। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे, उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। वह उन्हें सीधे रास्ते से ले गया और वे बसे हुए नगर तक पहुँचे। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया, वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं रहा। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला, उसने उनके बंधन तोड़ डाले। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, जो मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोह की अरगलाओं के टुकड़े कर डाले। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। वे प्रभु को धन्यवाद दें
उसके प्रेम के लिए, जो मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे, वे महासागर के उस पार व्यापार करते थे। उन्होंने प्रभु के कार्य देखे, सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। उसके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरे, संकट में उनका साहस टूट गया। वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लड़खड़ाते थे, उनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गईं। उसने शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे। प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे भरी सभा में उसे धन्य कहें और बड़े बूढ़ों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह निवासियों के अधर्म के कारण नदियों को बंजर भूमि, जल स्रोत को सूखी भूमि जमीन और उपजाऊ भूमि को लवणकच बना देता है। वह मरुभूमि को जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। वहाँ वह भूखों को बसाता है और वे उसमें अपने लिए नगर बनाते हैं। वे खेत बोते, धागबारी लगाते और उनसे अच्छी फसल पाते हैं। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती है। वह उनके पशुधन का हास नहीं होने देता, बाद में उनका संख्या घट जाती है और वे अत्याचार, विपत्ति और दुख के कारण दब जाते हैं। वह उनके शासकों को नीचे दिखाता और उन्हें पथविहीन बंजर भूमि में भटकाता है, किंतु वह दरिद्रों का दुख दूर करता और उनके परिवारों को झुंड की तरह बढ़ाता है। धर्मी यह देखकर आनंदित होते हैं और विधर्मियों का मुंह बंद हो जाता है। जो बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दें और प्रभु की अनुकंपा का मनन करें। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुंचाएगा? कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा? वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। प्रभु का यह स्त्रोत पढ़े जाने से हम सभी लोगों का अनुग्रह मिले, आशीष मिले, विशेष रूप से बाढ़ से पीड़ित, परेशान, दुखी लोगों को राहत मिले अलग अलग लोगों के माध्यम से, और विशेष रूप से प्रभु की अनुग्रहकारी दृष्टि, दया के दृष्टि सभी लोगों पर रहे, ताकि हर कोई व्यक्ति अपने इस नुकसान से, आर्थिक नुकसान से, अपने मालधन के नुकसान से ऊपर उठ सकें, उस प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को दोबारा आगे बढ़ा सकें। प्रभु सब पर अपनी बहुतायत के आशीष बरसाएं। सबों को धन्यवाद। जय सुखी।